एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जाना भाई खाने आई हूँ मोमोज। मैंने कभी भी मोमोज कभी पहले नहीं खाए और बहुत मोमोज हर जगह मोमोज हो रहे थे। मैंने कहा क्यों ना आज मैं भी ट्राई करूँ और बनते हुए भी आपको दिखाऊँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मोमोज बनते हुए भी और खा के भी बताऊँगी जायका कैसे, टेस्ट कैसे। स्टीम का मुझे लगता है थोड़ा सा जाना कि मुझे देखने के बाद उसको लगता है कि शायद अच्छा भी होगा। मुझे फ्राई मोमोज जाना वो लगता है कि भाई खाने में टेस्ट में अच्छे होंगे। तो हम दोनों ट्राई करके देखते हैं और बनते भी आपको दिखाते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो ये मेरे साथ चले हैं, मैं आपको दिखाती भी और खाती भी और दिखाती भी कैसे बने। यहाँ पे बन रहे हैं मोमोज और देखते ही मोमोज को तो भाई मुँह में पानी आ जाता है। अच्छा भाई, आप इसकी जो डो होती है ये आप मुझे बताइए किस चीज़ से बनती है? डो जो होती है इसकी मैदे की होती है, ठीक है। अच्छा अभी आप कौन से बना रहे हैं मोमोज, वेजिटेबल हैं या फिर जो है चिकन मोमोज बन रहे हैं? भाई आप ये देख सकते हैं कि भाई इन्होंने मैदे की जो है वो इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं इन्होंने छोटा वो बना दिया और यहाँ पर ये बने हुए भी हैं। तो अभी जो है वो बना के हमें दिखा रहे हैं। अच्छा ये चिकन है। अच्छा ये इसके मतलब जो सारा ये कच्चा है मसाला वगैरह जो भी है इसके अंदर, ठीक है जी। कैसे चल रहा है आपका मोमोज का, मतलब लोग पसंद करते हैं यहाँ पे मोमोज, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कितने इसके प्राइस क्या है मोमोज के? 300 के 6 पीस है, ठीक है। चिकन चीज़ है, ये भी 350 का 6 पीस है। अच्छा ये 350 का, इसमें चीज़ है? जी इसमें चीज़ है, ठीक है सही। बाकी ये चिकन स्टीम है, इसी को फ्राई करते हैं 400 में 6 पीस। अच्छा मतलब फ्राई और स्टीम, अच्छा एक ही बैटर होता है दोनों का, ठीक है। फ्राई जो होता है क्रिस्पी होता है और ये ज़्यादा डिमांड किसके आती है, फ्राई की या फिर वो स्टीम की? स्टीम हमारा रनिंग आइटम है। अच्छा चिकन स्टीम जो है वो इनका रनिंग आइटम है। हाँ लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो स्टीम पसंद नहीं करते, जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि वो थोड़ा कच्चा कच्चा सा फील हो रहा होता है उसके अंदर। और बिल्कुल शौक करते हैं इसलिए। अच्छा भाई असल में जो इसको ये है ना, असल इसकी कारीगरी यहाँ पर होती है, इसको सही से ये बंद हो जाए ये। ये देखें भाई मोमोज जो है इनका वो इतना सॉफ्ट है, ये तो ये बहुत सॉफ्ट है और टूटता नहीं है ये फ्राई होते टाइम, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये देखें बहुत नरम है इसका बैटर अंदर से। अल्लाह थकते नहीं आप इतने छोटे 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 इतने सारे बनाते हुए, ये देखें। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बाहर और हम दिखाते हैं कि स्टीम कैसे हो रहा है, फ्राई कैसे हो रहे हैं। और मैं भी आई तो काफ़ी रश था मोमोज खाने के, भाई सब शौकीन हुए हुए। तो बाहर चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं मोमोज किस तरह तैयार हो रहे हैं। कितनी देर में हो जाते हैं फ्राई? 5 मिनट तो पहले लगे ये रेडी हो जाते हैं और ये मोमोज इनके फ्राई हो रहे हैं। नज़र आ रही है फ्राई होते हुए इनकी जो शक्ल है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है, मज़ेदार से लग रही है। देखिए आप जो इन्होंने किए ये रेडी हो गए, ये देखें आप। सॉसेस आपके कौन कौन से हैं आप बताएंगे मुझे, ये बड़ा मज़े का लग रहा है। ये कोरियन है, ये स्पाइसी होगा। अच्छा स्पाइसी होगा। ये शिजवान है, वेस्ट सॉस है, नॉर्मल स्पाइसी में होगा। सही। ये हनी मस्टर्ड है, बिल्कुल नॉन स्पाइसी है, फ्राई के साथ ये ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, मतलब मोमोज के साथ जो है वो ज़्यादातर स्पाइसेस जो होते हैं वो चटनी जो होती है ये सब स्पाइसी, कोरियन या शिजवान फ्राई। ठीक है ठीक है ठीक है। ये दो चिकन चीज़ है, ठीक है। ये दो चिकन स्टीम है, सही। और आपको फ्राई पसंद है इसलिए इसको 3 पीस। ओके ठीक है, अभी हम जो है वो ट्राई करते हैं भाई ये वाला, मैंने फ्राई बोला था तो हम ट्राई करके देखते हैं और आपको भी बता दें। कैसा भाई
इन्होंने कहा पहले आप स्टीम वाला ट्राई करें, इन्होंने बना के दिया भाई। इन्होंने कहा कि ये जो है ना सॉसेज जो है वो थोड़े से तेज़ होते हैं इसके साथ मोमोज़ के साथ, तो हम ट्राई करते हैं। और वैसे जो है ना मुझे ये जो स्टीम वाले मोमोज हैं पसंद है, इसलिए ट्राई करके देखें ठीक है। मोमोज खाने का बहुत पहले से फूड खाने का एकदम ट्राई नहीं किया था। मैंने कहा कि मुझे स्टीम जो मोमोज वो पसंद नहीं है, लेकिन इसको खाने के बाद मुझे पसंद है। और इसके सॉस ने ये देखें मैं पूरा बोल दूँ क्योंकि इसका सॉस बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त है। आप ट्राई करेंगे? ओके मैं आप ट्राई करके देंगे। और मेरा जो अपना वो था ना ओपिनियन था कि भाई स्टीम जो मोमोज है वो अच्छे नहीं होते, अब मुझे पता चला कि स्टीम मोमोज बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के इसलिए पसंद है, बहुत मज़ेदार है। खा के दिया था, मैं भी खाता हूं, लेकिन बहुत अच्छे। मैं बोली थी स्टीम वाले अच्छे नहीं होते, लेकिन स्टीम वाले बहुत अच्छे हैं टेस्ट। मुझे तो सारे मोमोज पसंद है भाई, बस मोमोज मोमो तो नहीं पसंद, वो वाली मोमो अच्छा टेस्ट है ना, बहुत अच्छा है। इसका ये वाला भी बहुत मज़े का, ट्राई करें। अच्छा टेस्ट है। अच्छा हम जो है मौजूद हैं ये तो बताते कहाँ पर है, एज यूजल हुसैनाबाद, जहाँ पर पूरी फूड स्ट्रीट है, जहाँ आपको हर कुछ मिल जाता है। हाँ और बिल्कुल हर चीज़ आपको जो है ना वो वहाँ मिल जाती है यहाँ पर हुसैनाबाद में, और ये बहुत मज़ेदार है। अब वहाँ मैं ट्राई करने वाली हूँ फ्राई मोमोज, ठीक है। आपके मोमोज है ना वो लाजमी ट्राई करने कराची बेकर्स के सामने हुसैनाबाद में, और अब जो है ना वो मैं फ्राई जो मोमोज है वो ट्राई करने वाली हूँ। बड़े क्रिस्पी वाला ट्राई करूँगी, बड़ा क्रिस्पी से लग रहा है। अच्छा लड़का इसके साथ ये वाला सॉस चलता है मस्टर्ड, इनका फ्लेवर होगा इसके साथ के जो है मैंने कहा कि भाई ये जो फ्राई होता है इसके साथ जो है वो हल्का जो है ना वो सॉस होता है। स्टीम मोमोज अच्छे हैं पर ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत मज़ेदार हैं। और फ्राई मोमोज बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं, सबको ज़्यादातर स्टीम मोमोज पसंद होते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो इसका जो जायका है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा, जो क्रंच आ रहे हैं और जो जायका आ रहा है वो बहुत मज़ा आ रहा है। आपने जो है वो यमी बाइट्स पर आना है कराची बेकर्स के सामने, और बस इसको ट्राई करना बहुत मज़ा आए। आप कहते हैं बहुत कोई ये वीडियो को ऐसा नहीं बहुत